मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मैं तुम्हें यहां सिर्फ ये कहने आया हूं कि तुम जो भी कर रही हो उससे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। जानती हूं मुझे कुछ नहीं मिलेगा और मुझे कुछ मिलना भी नहीं चाहिए। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया, मैं बच्चे के साथ किया, मेरी सजा यही रहनी चाहिए कि मैं खाली हाथ रहूं, कुछ ना मिले मुझे। क्या फायदा इस पछतावे का? पछताया बाद में ही जाता है दानिया। चलता हूं। इतनी जल्दी क्या है दानिया? मुझे अपनी गलतियों का एतराफ तो कर लेने दो। तुम्हारे अपने बच्चे को खोकर जो मैं दिन रात अजाब से कहानी तो सुनते जा। क्या फायदा होगा तुम्हें ये सब कुछ बताकर? क्या मिलेगा तुम्हें? मिलेगा तो कुछ भी नहीं, मगर शायद अगर तुम मुझे माफ कर दोगे तो मेरा दिल हल्का हो जाएगा। शायद मैं दोबारा से जी उठूं। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला, कभी नहीं। पैसा, दौलत, मोहब्बत, अपने बच्चे तक का नहीं सोचा तुमने कि बड़ा होके वो क्या बोलेगा सबको, कि उसकी मां उसको और उसके बाप को किसी और की वजह से छोड़ के चली गई। पागल कर दिया था मुझे शाहवेज ने। मेरी वफा और ममता को मार दिया था उसने। आया जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ये 1.5 साल हमने कैसे गुजारे हैं? शामख अपनी माँ के बगैर कितनी तकलीफ में था, क्या कुछ सहा है उसने, तुम्हें उसका अंदाजा तक नहीं। मुझे एहसास नहीं था पहले इस बात का, मगर दानियाल शामख से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ है। मुझे समझ में आ गया कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज को खो दी। मैंने तुम्हें खो दिया दानियाल। बहुत बहुत देर हो गई है, अब इन पछतावों का कोई फायदा नहीं है सानिया। मुझे पता है कोई फायदा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैंने अपनी गलतियों का एतराफ कर लिया तो शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए नरमी आ जाए, शायद तुम मुझे माफ कर दो। सब कुछ बदल गया है, मेरा दिल, मेरी मोहब्बत, सब कुछ। दानियाल सब कुछ बदल सकता है, मगर उन 7 सालों की यादें तो यहीं खड़ी हैं। तुम्हें याद है हम दोनों पहली बार जब हनीमून के लिए आए थे तो हम वहीं पर आए थे। तुम अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी जी रहे, घूम फिर रहे। तुम्हें याद है हम भी कभी यहाँ आते थे। मैं पहली मोहब्बत थी तुम्हारी, और कहते हैं कि इंसान कभी अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता। भूल जाता है, अगर वो मोहब्बत धोखा दे। और अगर माफी मांगे, सर झुका लेते। चलता हूं मैं, फिर बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरा फोन।
सानिया तुम अब शादीशुदा, अपने माजी को भूल जाओ और अपने हाल में जीना सीखो।